हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप लोग पहला प्रश्न देखिए, छात्रों में खेलों के प्रति रुचि पैदा करने के लिए आप लोग क्या करेंगे। तो जब भी आप छात्रों में किसी चीज़ के प्रति इंटरेस्ट पैदा करना चाहते हैं तो भाषण तो बिल्कुल भी मत दीजिएगा, उदाहरण भी देकर क्या ही कर लोगे। तो सबसे पहले है कि अगर आप बच्चों के अंदर कुछ चीज़ डेवलप करना चाहते हो, रुचि पैदा करना चाहते हो, या अगर मॉरल वैल्यूज़ की भी बात आती है तो आप खुद इम्प्लीमेंट करिए उस चीज़ को। तो अगर आप स्वयं खेलेंगे उन बच्चों के साथ तो बच्चों में छात्रों में खेलों के प्रति रुचि ज़रूर पैदा होगी, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, कोई छात्र कक्षा में अन्य छात्रों को तंग करता है, उसके शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे। तो उसकी सार्वजनिक निंदा करेंगे, मतलब उसको डांटेंगे, उसको सज़ा देंगे, उसको क्लास से बाहर निकाल देंगे, जो कि आप करोगे तो आपकी नौकरी गई। ठीक है, तो ये मत करना बिल्कुल भी और करना भी नहीं चाहिए। तो समस्याओं की जानकारी लेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे पहले अगर आपको आंसर फाइंड आउट करना है तो सबसे बड़ा तरीका ये होता है कि आपके सामने अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले आप उसका रीज़न जानोगे, क्योंकि बच्चे के मतलब कोई बच्चा कुछ ऐसा बिहेव कर रहा है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। बिना वजह कोई बच्चा ऐसा बिहेव नहीं करता है। क्या पता आप मतलब इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा नहीं रहे हो इसलिए बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, या मतलब तंग कर रहा है, तो कुछ बिहेवियरल इशू होगा। तो मतलब पहले रीज़न को जानना है, उसके बाद कोई स्टेप लेना है। अगला है, आपके विद्यालय में स्वच्छता अभियान मनाया जा रहा है लेकिन कुछ छात्र सफाई करने में आनाकानी कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। तो अभी मैंने बताया कि आप भाषण तो बिल्कुल भी नहीं देंगे, लेख पढ़ने को देंगे, आप प्रिंसिपल को शिकायत क्यों करेंगे और बच्चों को कोई दूसरा काम देंगे, कोई लॉजिक नहीं है। अगर मतलब सफाई अभियान चल रहा है तो स्वयं आप इस अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, तो स्वयं अगर आप करेंगे तो फिर डेफिनेटली बच्चे खुद ब खुद आगे आएंगे। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विद्यालयों में शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए कि शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता की जो हमारा क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में देखते हैं, इम्पॉर्टेंट फॉर इवेल्युएटिंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग इन स्कूल, कि स्कूल में टीचिंग लर्निंग हो रही है तो उसकी गुणवत्ता है, उसकी जो क्वालिटी है उसका अगर हमें इवेल्युएशन करना है तो कौन सा महत्वपूर्ण है। तो देखो, स्कूल में जो संसाधन है क्लास में स्कूल में, या उपलब्ध शिक्षक और कर्मचारी, महत्वपूर्ण तो क्या ही है या नहीं है। मतलब देखो, मेन है अगर बच्चे की उपलब्धियाँ, बच्चे की जो अचीवमेंट्स है वो मेन हमारा जो इवेल्युएशन है वो करती हैं कि बच्चे की उपलब्धियाँ क्या रही है। अगर स्कूल में ठूस के आप शिक्षक कर्मचारी भर लोगे और बच्चे की कोई अचीवमेंट्स ही नहीं आ रही हैं तो फिर वो तो इवेल्युएट करने का कोई लॉजिक नहीं है। और संसाधन भी अगर ठीक से यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं तो फिर भी मतलब कोई मतलब नहीं है। तो मेन होता है कि बच्चे की जो अचीवमेंट्स है वो रिप्रेजेंट करती है कि शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता को अगर हम मापना चाहते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा प्रश्न संख्या है 5, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण शिक्षण अधिगम में प्रौद्योगिकी के उपयोग को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो जो ICT अगर आप यूज़ करते हैं एजुकेशन में, तो उसमें चित्रों, चार्ट और मानचित्रों के साथ अच्छी तरह से सजाई कक्षा है, तो इसमें तो ICT का कोई यूज़ हो ही नहीं रहा है। PC और इंटरनेट कनेक्शन के प्रावधान के साथ कक्षा हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के उपयोग के लिए बिजली की आपूर्ति के साथ कक्षा, तो ये दोनों ही हो सकते हैं, तो बी और सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करोगे और जो सबसे पहले आंसर आएगा और मुझे लगेगा कि वो आंसर सही दिया है आपने तो मैं आपका जो कमेंट है वो पिन ज़रूर करूँगी। तो विद्यालय को सामाजिक संस्था माना जाता है क्योंकि, तो ये चार ऑप्शन है, चारों में से एक आंसर है और आप लोग मुझे कमेंट करोगे इसका आंसर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या, यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 है, अध्यापन के दौरान आप देखते हैं कि कुछ छात्र पीछे बेंच पर गपशप कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। अनदेखा करेंगे? बिल्कुल नहीं, गपशप की परवाह किए बिना अपना अध्यापन जारी रखेंगे, करने दो उनको बातें, हम तो पढ़ाना जारी रखते हैं, तो ये भी गलत है। मैं थोड़ी देर के लिए रुकूँगा और आगे बढ़ूँगा, या उपरोक्त सभी तो होगा नहीं, थोड़ी देर के लिए रुकूँगा और आगे बढ़ूँगा। ऐसा होता है कि क्लास में बच्चे बातें करते हैं तो हम लोग थोड़ी देर रुक जाते हैं तो वो बच्चे खुद ही शांत हो जाते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं ना, तो सी ऑप्शन होगा इसका आंसर सही। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किस गतिविधि की एक स्कूल शिक्षक से अपेक्षा नहीं की जाती है। आप एक स्कूल टीचर है और कौन सी एक्टिविटी है जो आपसे अपेक्षा नहीं की जाती है। अगर आप सांस्कृतिक उत्सव में भागीदारी करते हैं तो ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि हाँ मतलब कर सकते हो और हाँ करना भी चाहिए। व्यापार या कारोबार करना, तो ये तो बिल्कुल ही मतलब गलत है।
आप टीचर है और कोई व्यापार कारोबार, ये मतलब हमारा जो आरटीई एक्ट है 2009 का, उसके अकॉर्डिंग तो ये सही भी नहीं है। विद्यार्थियों को उनकी समस्याओं को हल करने के लिए मार्गदर्शन करना, तो ये तो अपेक्षा की जाती है कि हाँ ऐसा टीचर को करना चाहिए, लेकिन व्यापार और कारोबार नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं की जाती। व्यापार या और कारोबार करने की जो अपेक्षा है टीचर से नहीं की जाती, ये गतिविधि नहीं अपेक्षा की जाती। और इको क्लब, साइंस क्लब, भाषा क्लब इत्यादि प्रायोजित करना, तो ये करोगे तो अच्छा ही है। जो बच्चों के लिए अच्छा हो रहा है वो डेफिनेटली वो टीचर के लिए अच्छा है ही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, हमारी शिक्षण प्रक्रिया शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से क्या जानना आवश्यक है। ये आप लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें भी आपका जो पहला आपको यही सिखाया जाता है कि बच्चों का जो प्रीवियस ईयर नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट है ना, तो मतलब जो उसका पूर्व ज्ञान है, ठीक है, तो प्रीवियस नॉलेज जो होती है वो हम बच्चों की चेक करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप शिक्षण प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, आप लेसन प्लानिंग करते हैं, तो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। जिन्होंने भी लेसन प्लान बनाए उनको पता होगा, तो कक्षा के पर्यावरण पर तो क्या ध्यान दोगे, पहले तो बच्चे को आता क्या है पहले तो वही ध्यान दोगे ना, उसको आता क्या है और आगे क्या करवाना है ना, और शिक्षण की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ये सब बात की बात है, उपरोक्त सभी होगा नहीं, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और कहीं कोई क्वेश्चन भाई ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, वैसे मुझे लगता है यार इतने बड़े हो आप लोग की मतलब कर सकते हो, बट फिर भी किसी क्वेश्चन में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं कमेंट का रिप्लाई कर दूँगी आपको या नेक्स्ट मीटिंग में बता दूँगी। अच्छी शिक्षण है छात्रों को अपने ज्ञान का निर्माण करने के लिए मार्गदर्शन करना, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट्स देना गलत है, छात्रों द्वारा ऊँचे स्वर में पढ़ना, ये भी मतलब ठीक है होना चाहिए, बट अच्छा शिक्षण की वो नहीं है ये, उन्हें अनुशासित बनाना, अनुशासित तो वो खुद ही हो जाएंगे जब आप उनका सही से मार्गदर्शन करेंगे। तो LEP 2020 के अकॉर्डिंग भी यही है कि हम एक फैसिलिटेटर की तरह बच्चे को ट्रीट करते हैं, वो अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण करता है, हम उनके ऊपर ज्ञान थोपते नहीं हैं। तो आज के हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू एंड गुड नाइट। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोरोना उपचार के लिए दवा 2GD किसके द्वारा विकसित की गई थी, ये आपको बताना है। तो DRDO के द्वारा इसे विकसित किया गया था, DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, NEP जो 2020 थी उसके नियुक्त मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने 2019 में मसौदा प्रस्तुत किया, तो इसका उत्तर सबको पता ही होगा, K. Kasturi रंगन इसका उत्तर है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार माध्यमिक स्तर की शिक्षा का अर्थ है, तो इसका अर्थ है कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, ये करंट का क्वेश्चन है जबकि ये प्रीवियस ईयर पेपर है, तो न्यायमूर्ति NV रमन। अभी प्रेजेंट में भारत के न्यायाधीश कौन है, मुख्य न्यायाधीश, आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। प्रश्न संख्या 15 है, CM ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो अल्पन बंदोपाध्याय इसका जो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है तो 11 नवंबर को मनाया जाता है, किस वजह से मनाया जाता है या किसके जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सच कहूँ तो किसकी आत्मकथा है, तो नीना गुप्ता की ये आत्मकथा है। अगला प्रश्न है 18, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका COVID-19 वैक्सीन भारत में किस व्यापार नाम से उपलब्ध है, तो इसका कोविशील्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोरोना वायरस की पहचान जून 2021 में हुई और जो भारत को महामारी की तीसरी लहर की ओर ले जाता है, तो डेल्टा प्लस इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला है, जून 2021 में संपन्न WTC फाइनल में भारत निम्नलिखित में से किस देश से हार गया था, तो न्यूजीलैंड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। एक सेकंड, इसका आंसर इंग्लैंड है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, गैन बाबी मस्जिद कहाँ स्थित है और अभी चल भी रहा है इसका, अभी करंट में तो वाराणसी में है। उसके बाद है 23, LM5 और CZ5 है तो ये चाइना के एक भारी लिफ्ट लॉन्च वाहन है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका 24, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया था, तो यह अबू धाबी में आयोजित किया गया था। ऑर्किड को लाल सूची में शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने IUCN के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, पहले तो IUCN की प्लीज़ आप लोग मुझे फुल फॉर्म बताएं कमेंट में, तो इसका जो सही उत्तर है वो है अरुणाचल प्रदेश।
NEP 2020 में कितने भाग हैं? NEP से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे, तो इसका जो आंसर है वो 4 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 है मिस यूनिवर्स 2020 की विजेता है एंड्रिया मेजा। अगला प्रश्न है हमारा 28, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था स्कूली शिक्षा के लिए जो NCERT है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क उसकी जो रूपरेखा बनाती है, तो NCERT की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो प्लीज़ आप लोग याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 29 है और इसका जो एग्जैक्ट आंसर है मुझे नहीं मिल पा रहा है, कॉज करंट का क्वेश्चन है, बट इसको पढ़ लेते हैं। किसी को अगर इसका आंसर पता हो तो कमेंट कर देना, अलग अलग आंसर मुझे मिल रहे हैं गूगल करने पे, बट करंट का क्वेश्चन है तो पूछे जाने की संभावना तो है नहीं इसकी, बट फिर भी हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार। भारत में 2021 की चौथी तिमाही के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, तो 4 ऑप्शन है, किसी को पता है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, ICC अवार्ड 2020 में ICC पुरुष ODI प्लेयर ऑफ द डिकेड का पुरस्कार किसने जीता, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 31 जो है आपका ये करंट का क्वेश्चन है। 32 है, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की जो उपाधि है वो किसने दी थी, जिनका हाल ही में 91 ईयर्स की आयु में निधन हो गया है, तो ये जनरल अयूब खान इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आज गोलान हाइट्स है उस पर किसका नियंत्रण है, तो इसराइल का नियंत्रण है। जो बाइडन संयुक्त राज्य अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कब शपथ ली थी, तो जनवरी 2021 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर ने स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड 2020 जीता, इंदौर और सूरत इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका 36, हाल ही में प्लाज्मा चर्चा में था, मानव रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा है, तो 55% इसका आंसर है। रेमडेसिविर का आविष्कार निम्नलिखित में से किस दवा अनुसंधान संगठन ने किया था, तो गिलियड इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2021 के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे, तो कोई भी नहीं थे, ड्यू टू कोविड कोई भी अतिथि नहीं था। 39 है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण भारत के सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में किया जा रहा है, तो संसद भवन इसका सही उत्तर है। 40 है, यहाँ पर पूछा है आपसे UAPA की फुल फॉर्म पूछी है, तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। 41 है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है 97°25' ईस्ट। 42 है, भारत में यूरोप की दूरी कम करने वाली स्वेज नहर कब खोली गई थी, तो 1879 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1879। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 42 है इसका आंसर हो जाएगा आपका 1879। उसके बाद है 1869 आंसर हो जाएगा, 1869। 43 है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो अनाई मुडीज का सही आंसर है, जिसकी जो हाइट है 2659 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है, गंगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है, तो बाजरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गैंडे के लिए आरक्षित है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका सही उत्तर है। दिल्ली में जंतर मंतर महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। ब्रासी की लड़ाई 1757 में लड़ी गई थी, और ये सबको पता ही होगा 1757 में लड़ी गई थी। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पे, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था ये आपको बताना है, तो ये हुआ था 1942 में। अगला है, संविधान की कौन सी अनुसूची उन विषयों की सूची दे रही है जिन पर नगर पालिकाओं को प्रशासनिक नियंत्रण दिया गया है, तो 12वीं अनुसूची इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के पदेन सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, 5 स्थायी सदस्य है, और इन चारों में से बी वाला ऑप्शन सही है, चाइना स्थायी सदस्य है। अगला है 54, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के तहत शामिल आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। निम्नलिखित में से किस युद्ध में फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से पराजित किया था, बॉन्डी वॉश की लड़ाई इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में संसद में धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी पूर्व अनुमति अनिवार्य है, तो राष्ट्रपति इसका सही उत्तर हो जाएगा। जन्म दर एक वर्ष के दौरान जन्मों की प्रति को मापता है, तो 1000 जनसंख्या इसका सही उत्तर हो जाएगा। 58 है, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तो किसने कहा था, कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि शरीर और आत्मा में ऐसा
व्यक्ति इस धरती पर चला तो अल्बर्ट आइंस्टाइन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नमक कानून उल्लंघन करते हुए गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारत की योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अभी योजना आयोग है उसको नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। ये आपको यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दूध में मौजूद चीनी है तो लैक्टोज इसका सही आंसर हो जाएगा। सेल्यूलेस किसका बहुलक है ये आपको बताना है, तो जो सेल्यूलेस है वो ग्लूकोज का बहुलक है। अगला प्रश्न है, जन्मजात रोग है तो जन्मजात रोग, जन्म के समय मौजूद रोग को जन्मजात रोग बोलते हैं। मानव शरीर में पसीने की ग्रंथियों में मुख्य रूप से संबंधित है तो अतिरिक्त पानी को हटाने की। अगला है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा है? तो नाइट्रोजन है, सी सही हो जाएगा। जिन मिश्र धातुओं में पारा एक धातु कहलाती है, जिन मिश्र धातुओं में पारा एक धातु होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती हैं आपकी, वो कहलाती हैं आपकी अमलगम। ठीक है, अगला है, एक तत्व जो पेंटोक्साइड बनाता है तो फास्फोरस इसका जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 69, किसी पदार्थ का सीधे ठोस वाष्प अवस्था में परिवर्तन के रूप में जाना जाता है, तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सबमिलेशन। ठीक है, अगला है, न्यूलैंड्स मैंडिवल और मेयर्स वैज्ञानिक है जिन्होंने किसके विकास में योगदान दिया था? तो इन्होंने जो योगदान दिया था वो दिया था तत्वों की आवर्ती की सारणी में। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण किस में होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। अगला है, उत्तल लेंस के वस्तु के समान आकार का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की दूरी लेंस से 2f के बराबर होती है। अगला है 73, मानव आँख के किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस स्थान पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है, तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है वोल्ट आपका। अगला प्रश्न है आपका 75, किसी परिपथ में विद्युत धारा मापने का यंत्र है? तो इसका जो सही आंसर है वो है एनीमीटर। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोरोना उपचार के लिए दवा 2GD किसके द्वारा विकसित की गई थी ये आपको बताना है। तो DRDO के द्वारा इसे विकसित किया गया था। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, NEP जो 2020 थी उसके नियुक्त मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने 2019 में मसौदा प्रस्तुत किया? तो इसका उत्तर सबको पता ही होगा, K.Kasturirangan इसका उत्तर है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार माध्यमिक स्तर की शिक्षा का अर्थ है, तो इसका अर्थ है कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? ये करंट का क्वेश्चन है जबकि ये प्रीवियस ईयर पेपर है। तो न्यायमूर्ति NV रमन। अभी प्रेजेंट में भारत के न्यायाधीश कौन है, मुख्य न्यायाधीश, आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। प्रश्न संख्या 15 है, CM ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अल्पन बंदोपाध्याय इसका जो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है तो 11 नवंबर को मनाया जाता है, किस वजह से मनाया जाता है या किसके जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है ये आपको बताना है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सच कहूँ तो किसकी आत्मकथा है? तो नीना गुप्ता की ये आत्मकथा है। अगला प्रश्न है 18, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन भारत में किस व्यापार नाम से उपलब्ध है? तो इसका कोविशील्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोरोना वायरस की पहचान जून 2021 में हुई और जो भारत को महामारी की तीसरी लहर की ओर ले जाता है? तो डेल्टा प्लस इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला है, जून 2021 में संपन्न WTC फाइनल में भारत निम्नलिखित में से किस देश से हार गया था? तो न्यूजीलैंड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। एक सेकंड, इसका आंसर इंग्लैंड है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, ज्ञान बाबी मस्जिद कहाँ स्थित है और अभी चल भी रहा है इसका अभी करंट में? तो वाराणसी में है। उसके बाद है 23, LM5 और CZ5 है तो ये चाइना के एक भारी लिफ्ट लॉन्च वाहन है।
उसके बाद अगला प्रश्न है आपका 24, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह अबू धाबी में आयोजित किया गया था। ऑर्किड को लाल सूची में शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने IUCN के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? पहले तो IUCN की प्लीज़ आप लोग मुझे फुल फॉर्म बताएं कमेंट में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अरुणाचल प्रदेश। NEP 2020 में कितने भाग हैं? NEP से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे, तो इसका जो आंसर है वो 4 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 है मिस यूनिवर्स 2020 की विजेता है एंड्रिया मेजा। अगला प्रश्न है हमारा 28, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था स्कूली शिक्षा के लिए जो NCERT है नेशनल करिकुलम फेयरबुक उसकी जो रूपरेखा बनाती है? तो NCERT की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो प्लीज़ आप लोग याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 29 है और इसका जो एग्जैक्ट आंसर है मुझे नहीं मिल पा रहा है, कॉज करंट का क्वेश्चन है, बट इसको पढ़ लेते हैं। किसी को अगर इसका आंसर पता हो तो कमेंट कर देना। अलग अलग आंसर मुझे मिल रहे हैं गूगल करने पे, बट करंट का क्वेश्चन है तो पूछे जाने की संभावना तो है नहीं इसकी, बट फिर भी हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार। भारत में 2021 की चौथी तिमाही के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई? तो 4 ऑप्शन है, किसी को पता है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, ICC अवार्ड्स 2020 में ICC पुरुष ODI प्लेयर ऑफ द डिकेड का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 31 जो है आपका ये करंट का क्वेश्चन है। 32 है, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की जो उपाधि है वो किसने दी थी जिनका हाल ही में 91 ईयर्स की आयु में निधन हो गया है? तो ये जनरल अयूब खान इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आज गोलान हाइट्स है उस पर किसका नियंत्रण है? तो इसराइल का नियंत्रण है। जो बाइडेन संयुक्त राज्य अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कब शपथ ली थी? तो जनवरी 2021 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर ने स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड 2020 जीता? इंदौर और सूरत इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका 36, हाल ही में प्लाज्मा चर्चा में था, मानव रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा है? तो 55% इसका आंसर है। रेमडेसिविर का आविष्कार निम्नलिखित में से किस दवा अनुसंधान संगठन ने किया था? तो गिलियड इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2021 के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो कोई भी नहीं थे, ड्यू टू कोविड कोई भी अतिथि नहीं था। 39 है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण भारत के सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में किया जा रहा है? तो संसद भवन इसका सही उत्तर है। 40 है, यहाँ पर पूछा है आपसे UAPA की फुल फॉर्म पूछी है, तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। 41 है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है 97°25' E। 42 है, भारत में यूरोप की दूरी कम करने वाली स्वेज नहर कब खोली गई थी? तो 1879 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1879। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 42 है इसका आंसर हो जाएगा आपका 1879। उसके बाद है 1869 आंसर हो जाएगा, 79 ही, 1869। 43 है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी? तो अनाई मुडी इसका सही आंसर है, जिसकी जो हाइट है 2659 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है? गंगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो बाजरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गेंडे के लिए आरक्षित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका सही उत्तर है। दिल्ली में जंतर मंतर महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। प्लासी की लड़ाई 1757 में लड़ी गई थी, और ये सबको पता ही होगा 1757 में लड़ी गई थी। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पे, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था ये आपको बताना है, तो ये हुआ था 1942 में। अगला है, संविधान की कौन सी अनुसूची उन विषयों की सूची दे रही है जिन पर नगर पालिकाओं को प्रशासनिक नियंत्रण दिया गया है? तो 12वीं अनुसूची इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के पदेन सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? 5 स्थायी सदस्य है, और इन चारों में से बी वाला ऑप्शन सही है, चाइना स्थायी सदस्य है। अगला है 54, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के तहत शामिल आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। निम्नलिखित में से किस युद्ध में फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से पराजित किया था? बॉन्डी वॉश की लड़ाई इसका सही उत्तर हो जाएगा।
भारत में संसद में धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी पूर्व अनुमति अनिवार्य है? तो राष्ट्रपति इसका सही उत्तर हो जाएगा। जन्म दर एक वर्ष के दौरान जन्मों की प्रति को मापता है, तो 1000 जनसंख्या इसका सही उत्तर हो जाएगा। 58 है, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तो किसने कहा था कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि शरीर और आत्मा में ऐसा व्यक्ति इस धरती पर चला, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नमक कानून उल्लंघन करते हुए गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अभी योजना आयोग है उसको नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है, ये आपको यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दूध में मौजूद चीनी है तो लैक्टोज इसका सही आंसर हो जाएगा। सेल्यूलेस किसका बहुलक है, ये आपको बताना है, तो जो सेल्यूलेस है वो ग्लूकोज का बहुलक है। अगला प्रश्न है, जन्मजात रोग है तो जन्मजात रोग, जन्म के समय मौजूद रोग को जन्मजात रोग बोलते हैं। मानव शरीर में पसीने की ग्रंथियों में मुख्य रूप से संबंधित है, तो अतिरिक्त पानी को हटाने की। अगला है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा है? तो नाइट्रोजन है, सी सही हो जाएगा। जिन मिश्र धातुओं में पारा एक धातु कहलाती है, जिन मिश्र धातुओं में पारा एक धातु होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती हैं आपकी अमलगम, ठीक है। अगला है, एक तत्व जो पेंटोक्साइड बनाता है तो फास्फोरस इसका जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 69, किसी पदार्थ का सीधे ठोस वाष्प अवस्था में परिवर्तन के रूप में जाना जाता है, तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सबमिलेशन, ठीक है। अगला है, न्यूलैंड्स मैंडिवल और मेयर्स वैज्ञानिक है जिन्होंने किसके विकास में योगदान दिया था? तो इन्होंने जो योगदान दिया था वो दिया था तत्वों की आवृत्ति की सारणी में। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण किस में होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। अगला है, उत्तल लेंस के वस्तु के समान आकार का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की दूरी लेंस से 2f के बराबर होती है। अगला है 73, मानव आँख के किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस स्थान पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है, तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है वोल्ट आपका। अगला प्रश्न है आपका 75, किसी परिपथ में विद्युत धारा मापने का यंत्र है? तो इसका जो सही आंसर है वो है एनीमीटर। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम हिंदी के 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कबीर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपको बताना है कि कबीर का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो कबीर का अर्थ होता है, क्या होता है कबीर का अर्थ? तो कबीर का अर्थ यहाँ पर होता है महान। अगला प्रश्न है आपका, किताब किस भाषा का शब्द है, ये आपको बताना है। तो किताब आपका अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, निकेतन का पर्यायवाची शब्द हमारा घर होता है। यहाँ पर विदेश का मतलब आपको पता ही है, और शस्त्र और असी मतलब होता है तलवार, और शस्त्र मतलब हथियार होते हैं, और यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है अस्त्र और शस्त्र में। तो जो शस्त्र होते हैं हमारे वो हथियार होते हैं, और जो हमारे अस्त्र होते हैं वो भी हथियार होते हैं। फ़र्क इतना होता है, जो अस्त्र होते हैं वो फेंक कर चलाए जाते हैं, ठीक है। जैसे वो जो विष्णु जी का चक्र था फेंक कर चलाए, जैसे भाला हो गया फेंक कर चलाए जाते हैं, उनको अस्त्र बोलते हैं, ठीक है। और बाकी शस्त्र की श्रेणी में आएंगे। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका किस भाषा की रचना है? तो ये ब्रज भाषा की रचना है। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी यहाँ गिनती से रिलेट हो रहा है, ठीक है। तो गिनती का जो समास है वो हमारा आता है द्विगु समास में, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ग से गिनती, ठीक है। द्विगु यानी जो गिनती वाले आएंगे, ठीक है, तो द्विगु समास इसका आ जाएगा। रामचरितमानस में कितने कांड है? रामचरितमानस में 7 कांड है। अनिवार्य का विलोम शब्द है, अनिवार्य मतलब कि करना ही करना है, तो आवश्यक ज़रूरी,
और ये हमारा हो गया कि हाँ कंपलसरी है। अनैच्छिक मतलब होता है कि मतलब मन नहीं है फिर भी कर रहे हैं, ठीक है। और ऐच्छिक है भाई करो नहीं करो आपकी मर्जी है, इच्छा है आपकी, ठीक है। तो अनिवार्य का जो विलोम शब्द हो जाएगा ऐच्छिक हो जाएगा कि ज़रूरी नहीं है आपकी मर्जी है तो करो, आपकी मर्जी नहीं है तो मत करो, ठीक है। वैकल्पिक एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, जो बहुत बोलता है उसे हम वाचाल बोलते हैं। आप में से कितने लोग वाचाल हैं? ओके, क्वेश्चन नंबर 89 है, शुद्ध शब्द है, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें उज्ज्वल में दो बार आधा ज आता है, तो आप इसको रट लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। अचरज का तत्सम रूप है, तो तत्सम सभी को पता होगा जो एज इट इज़ संस्कृत में यूज़ किए जाते हैं, एज इट इज़ वो मतलब हिंदी में भी यूज़ किए जाते हैं, जो संस्कृत का रूप होता है उसको हम तत्सम बोलते हैं, समान, ठीक है। तो अचरज का तत्सम रूप है, ये तद्भव रूप है, मतलब चेंज होके यूज़ हो रहा है अचरज, तो इसका तत्सम जो रूप है वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा आश्चर्य। उपसर्ग रहित शब्द है अति जमा अधिक, अत्यधिक बन जाएगा, यानी इसमें उपसर्ग लगा है, उपसर्ग मतलब जो आगे लगते हैं, ठीक है। और इसका सही आंसर सुरेश है, सुरेश में कोई उपसर्ग नहीं है। बाकी सुयोग का देख लेते हैं, सु जमा योग और इस तरीके से वी जमा देश, तो इन तीनों में उपसर्ग है लेकिन सुरेश में उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 92 पे चले तो तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा है। तो यहाँ पे तद्भव शब्द आपका है यात्री, यात्री शब्द है वो यात्रा से बना है और यात्रा शब्द का तत्सम रूप होता है भ्रमण, संस्कृत में भ्रमण बोलते हैं, तो यात्री यहाँ पे तद्भव रूप हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मार्ग और अजीर्ण और पथिक का मतलब हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे पथिक मतलब होता है राही, ठीक है, मार्ग मतलब रास्ता, ये मार्ग वही इसी तरीके से सिमिलर कुछ। उसके बाद अजीर्ण मतलब यहाँ पर है आपका बदहजमी, ठीक है। मुँह की खाना इसका मतलब होता है पराजित होना या फिर बुरी तरह हार जाना। संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बोला गया है, राजभाषा बोला गया है अनुच्छेद 343(1) के अकॉर्डिंग, जो हिंदी है हमारी वो राजभाषा है। क्वेश्चन नंबर अध्यक्ष का सही संधि विच्छेद है, चारों ही ऑप्शन गलत है। अध्यक्ष का संधि विच्छेद होता है अधियक्ष, ठीक है। उसके बाद सही शब्द है, तो सही शब्द हमारा अनाधिकार है, बाकी सारे गलत हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीन से भिन्न है। कांता, प्रिया, पत्नी। पत्नी को ही बोला जाता है, अर्धांगिनी को बोला जाता है, लेकिन कांति एक नाम है और जो कि गलत लिखा हुआ है, गलत मिसप्रिंट हो रखा है। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें, निम्नलिखित में से पुल्लिंग है। देखो हवा बह रही है, शिक्षा मिलती है, मुर्गी कुकड़ुकू बोलती है, ठीक है, नहीं मुर्गा बोलता है, मुर्गी भी बोलती होगी साथ में, ठीक है, या मुर्गी चल रही है, इस तरीके से बोल सकते हो। दही जम गई है, गलत है। दही खट्टी है, गलत है। दही खट्टा है, दही जम गया है, दही मीठा है, ठीक है, कुछ भी। तो दही हमारा पुल्लिंग शब्द है, इसको याद कर लो। मुझे भी नहीं पता था आज से 4 साल पहले, और जिस टाइम मैं तैयारी कर रही थी, जब तैयारी करते करते मुझे पता चला, आज से 4 साल पहले मुझे पता चल रहा था कि दही पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। तो कुछ चीज़ ऐसी होती है, आप रट्टे मार लो तो भी सही है, क्योंकि हम उसको डेली लाइफ में उसको गलत इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। तो इसका जो सही आंसर है वो है शौर सैनी। क्वेश्चन नंबर 100 है, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो बूढ़े श्याम रंग ज्यों त्यों ज्यों उज्ज्वल होए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो अलंकार हमारा विरोधाभासी है, क्योंकि यहाँ पर विरोधाभास है, मतलब कि जैसे जैसे बुजुर्ग हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, वैसे वैसे उज्ज्वल हो रहे हैं वैसे, लेकिन हमको तो पता है ना जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं तो हम क्या होते हैं, ठीक है, थीके? तो इस तरीके से तो विरोधाभासी बातें हैं कि ये कैसे हो सकता है कि आप बूढ़े भी हो रहे हैं और उज्ज्वल भी हो रहे हैं इस तरीके से। तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग एंड लॉजिकल एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर हमारे जो रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं 36 से 55। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर हम 36 की बात करें तो यहाँ पे जो सीरीज दी हुई है ए जेड एक्स एक्स सी एक्स और ई वी, तो यहाँ पे आप इसको अगर एनालिसिस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ए का ऑपोजिट जेड है, सी का ऑपोजिट एक्स है और ई का ऑपोजिट डब्ल्यू वी है। तो आप इसको देखो, जो ए ट्रिक होती है वो होती है, हमारे टोटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं 20
6. अगर आपको फाइंड आउट करना है कि ये इसका अपोजिट है तो आप लोग क्या करेंगे, 27 अल्फ़ाबेट मानेंगे फॉर एग्जांपल, और आप जैसे जेड है, जेड को माइनस कर देंगे, जेड को माइनस कर दो या इसको माइनस कर दो, किसी को भी माइनस कर दो, अपोजिट आ जाएगा. अगर आपने जेड को माइनस किया, जेड हमारा 26 नंबर पर होता है, तो जेड को माइनस करेंगे तो सिंपली 1 आ जाएगा, और 1 नंबर पर हमारा ए होता है. ठीक, इसी तरीके से आप सी है, 3 को माइनस करके देखिए, 27 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे, 7 में से ये गया 4 और ये 2, और 24 नंबर पे हमारा x आता है. तो इस तरीके से हमने देखा कि ये इसका ऑपोजिट चल रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे इसका ऑपोजिट चल रहा है, तो यहाँ पे सिंपली सारे करके नहीं दिखा रही हूँ, ट्रिक बता दी आपको मैंने, यहाँ पे सी इसका ऑप्शन हो जाएगा. अब फॉर एग्जांपल टी 20 नंबर पे आता है, और 27 में से अगर आप 20 माइनस करेंगे तो 7 बचा, तो 7 इसका अपोजिट हो गया, क्योंकि जी हमारा 7 नंबर पे आता है. ठीक है, होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है. क्वेश्चन नंबर 37 है, ये नंबर सीरीज़ है और हमें इसे सही आंसर फाइंड आउट करना है क्वेश्चन मार्क के बदले. तो यहाँ पे देखो, 3 से 5 पे जब आप जाओगे तो 2 का गैप है, 5 से 4 पे जाओगे, 9 पे जाओगे 4 का गैप है, 9 से 5 पे जाओगे तो 6 का गैप है. ठीक है, 2 का गैप मतलब 2 का टेबल चल रहा है. 15 से 23 पे जाओगे तो कितना, 8 का गैप है, और जब आप 23 से इस पे जाओगे तो कितने का गैप आ जाएगा, 10 का गैप आ जाएगा, और 23 से जब 10 का गैप आएगा तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, 33. तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा. ठीक है, तो आपका क्या आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे, 33. ठीक है, 2 का गैप आ रहा है, सिंपली आप इसको, और प्लीज़ वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं बनता, अगर आप इसको सॉल्व करके नहीं देख रहे हैं तो साथ साथ इसको सॉल्व कीजिए, और अगर आपका आंसर नहीं आ पा रहा है तो आप वीडियो को आगे ऐसे करते हुए देखिए, क्योंकि मैं भी जैसे रीजनिंग, मुझे भी किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो मैं सिंपली वीडियो ऑन करती हूँ और पहले खुद सॉल्व करके देखती हूँ, और नहीं निकल रहा होता है तब मैं उस वीडियो को आगे फिर कंटिन्यू करती हूँ. ठीक है, तो यही मैं तरीका आपको बताऊंगी, बाकी सबकी अपनी मर्जी है. ओके, आगे है, आपको इनमें से डिफरेंट बताना है, ऑड वन आउट करना है. तो देखो, रूट, ब्रांच, फ्लावर, ये सब पार्ट हैं ट्री के, तो ट्री इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये सारे इसके पार्ट्स हैं ट्री के, तो ट्री इसका सही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 39 है, एक आदमी है वो 100 किलोमीटर साउथ की तरफ चलता है, ये एक आदमी है और ये 100 किलोमीटर साउथ की तरफ चला. ठीक है, उसके बाद वो फिर से राइट की तरफ, अब देखो यहाँ पे आपको लगेगा कि राइट तो इस साइड है, जबकि गलत है. क्यों? क्योंकि राइट अगर आप इस साइड नीचे की तरफ, आप खुद को कभी भी ऐसे डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं तो अपने आप को रख के देखो उस जगह कि आप यहाँ पर खड़े हैं और आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो आपका राइट कौन सा होगा, तो आपका राइट ये वाला होगा. ठीक है, तो यहाँ पर राइट मुड़ा, यहाँ पर 100 किलोमीटर चला, उसके बाद वो फिर से राइट हुआ. अब राइट आप ऐसे चल रहे हैं तो राइट आपका ये हो जाएगा, तो राइट में वो 50 चला. ठीक है, तो 50, 100 तो इतना बड़ा था यहाँ तक लंबा रास्ता, 50 इसका हाफ हो जाएगा, मतलब यहीं पर आप इसको स्टॉप कर दो. यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, विच डायरेक्शन इज नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, अभी कौन सी डायरेक्शन है उसके स्टार्टिंग पॉइंट से. अब देखो यहाँ पर साउथ हो गया, ठीक है, यहाँ पर हमारा साउथ हो गया, और ये हमारा क्या था, नॉर्थ था. ठीक है, जहाँ से वो चला था साउथ की तरफ. अब यहाँ पे नॉर्थ तो होगा नहीं, ईस्ट होगा नहीं, ईस्ट हमारा इस साइड पड़ेगा तो होगा नहीं, नॉर्थ ईस्ट तो होगा ही नहीं क्योंकि ईस्ट हमारा पड़ नहीं रहा, तो ये हमारा साउथ वेस्ट में आ जाएगा. ठीक है, वेस्ट साइड है, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा. अब हम क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम यहाँ बात करते हैं, ओके, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 40 है, यहाँ पे पॉइंटिंग टू अ वुमेन अ मैन सेड, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि शी इज़ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स ओनली सन. उस लड़के ने बोला कि वो जो लड़की औरत है वो मेरी ग्रैंड मदर का जो बेटा है, एक ही बेटा है मेरी ग्रैंड मदर का. सिंपली यहाँ पे आप लगाओ, एक लड़का है उसकी दादी का एक ही बेटा, यानी कि उसकी दादी का एक ही बेटा यानी उसका पापा हो गया. ठीक है, और उन्होंने बोला है वो उसका, वो मतलब जो डॉटर, एक सेकेंड मैं खुद कन्फ्यूज हो रही हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पर है कि द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स ओनली सन. तो इन्होंने बोला है कि ये जो लड़की है फोटो में, ये जो वुमेन है, ये मेरे दादी की इकलौते बेटे की लड़की है. यानी अगर दादी का इकलौता बेटा यानी उस लड़के का पापा हो गया और वो लड़की उसकी बेटी है, यानी वो लड़की उसकी क्या हो गई, बहन हो गई. तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, हाउ द वुमन रिलेटेड टू द मैन. तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सिस्टर इसका सही आंसर हो जाएगा. यहाँ पर आपसे पूछा गया है,
अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अ सीक्वेंस इन विच दे अक्योर इन द डिक्शनरी, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनको आपको थर्ड प्लेस वाला बताना है। तो यहाँ पे देखो ओरिज एन एन ए तक सारे सेम है, ठीक है, एन ए तक सारे सेम है। तो उसके बाद यहाँ पर है टी एल 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 यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे टी वाला तो बाद में ही आएगा सबसे, तो ये तो फोर्थ नंबर पे आ जाएगा, तो इसको तो ये हमारा ऑप्शन कट गया। उसके बाद हमारे ये तीन ऑप्शन बचे, हमें थर्ड नंबर वाला बताना है, और थर्ड नंबर के लिए पहले हमें फर्स्ट सेकंड निकालना होगा। तो यहाँ पे आपको देखो ओरिजिनल एल आ गया, यहाँ पर भी एल है, ठीक है। तो इसके आगे कुछ नहीं है, तो हमारा ये फर्स्ट नंबर पे आ गया। अब यहाँ पर ओरिजिनलिटी और ओरिजिनली, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है आपसे। अब यहाँ पे देखो ओरिजिनलिटी और ओरिजिनली, ठीक है। तो एल एल तक तो दोनों ही सेम है, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है, दो एल तक सेम है। उसके बाद एल के बाद यहाँ पे तो आई लग रहा है और यहाँ पर एल लग रहा है। अब आई पहले आता है या एल पहले आता है, आप ये बताओ। आई 9 नंबर पे है और एल हमारा आता है 12 नंबर पे, तो आई हमारा आता है पहले, तो यह हमारा 2 नंबर पे हो गया। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा, तो थर्ड नंबर पे आपका ओरिजिनली आपका थर्ड नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग कर ही लोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे व्हेन वाज संडे बी। इन्होंने पूछा है कि अगर यस्टरडे वाज, इफ अ डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे, कि मतलब कि परसों से, ठीक है, परसों से पहला दिन थर्सडे था, एक दिन पहले, ठीक है, परसों से पहला दिन थर्सडे था, यानी थर्सडे के बाद हो गया फ्राइडे और परसों हमारा क्या हो गया सैटरडे, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि संडे कब होगा, तो संडे टुमारो होगा, ठीक है, दो, ये हमारा सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 है, राम रैंक्ड 8 फ्रॉम द टॉप एंड 37 फ्रॉम द बॉटम। राम है ऊपर से 8वें नंबर पर रैंक है और नीचे से 37वें नंबर पर रैंक है। अब ये देखो यहाँ पर वो 37 और 8 को आप लोग प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 7 कितना होता है 15, हासिल एक 4, 45, ठीक है। लेकिन 8 और 37 ये दो जगह तो होगा नहीं, मतलब एक ही जगह इनकी रैंक वो हो रही होगी ना, मतलब ऊपर से 8वें नंबर पे है, नीचे से 37वें नंबर पे, तो हमें एक को माइनस करना पड़ेगा। एक माइनस करोगे तो यहाँ पे 44 सही आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए आप यहाँ से ऊपर से तो आप 10वें नंबर पे खड़े हैं, नीचे से आप 5वें नंबर पे हैं, तो या तो आप ऊपर से काउंट होंगे या आप नीचे से काउंट होंगे, है ना, ठीक है ना, तो वहाँ से फिर एक आपको हटाना पड़ेगा, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 44। फाइंड द मिसिंग नंबर, 5 दिया 15 और 4 19, 7 पंजे 35, 35 और 6 कितना होता है, 35 और 6 हमारा होता है 41। उसके बाद 6 चौक 24, 24 और 5 29, ठीक है, हो गया, बहुत इजी है। उसके बाद है लिजार्ड रेप्टाइल्स क्रोकोडाइल्स, लिजार्ड क्रोकोडाइल ये रेंगने वाले हमारे वो हैं, क्या बोलते हैं, हमारी वो है पशु हैं, पशु नहीं रेपिटाइल्स हैं, ठीक है, सरीसृप हैं। तो रेपिटाइल्स मतलब होता है जो रेंगते हैं, ठीक है, तो ये दोनों ही, तो इसका सही वेन ग्राम बनेगा ये, कि ये रेपिटाइल को शो कर रहा है बड़ा वाला सर्कल, और इसके अंदर लिजार्ड भी आएगा और हमारा क्रोकोडाइल भी आएगा। और क्वेश्चन नंबर 46 है, इसका मैं सही आंसर बता देती हूँ, ये मुझे सॉल्व करना नहीं आ रहा, इवन मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है, तो जहाँ मुझे नहीं आता है मैं बता देती हूँ। तो ये 46 वाला क्वेश्चन मुझे नहीं समझ आ रहा है, यही एक क्वेश्चन है जो मुझे नहीं आया, बाकी मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद स्टेटमेंट दी हुई है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, ठीक है, और चार कंक्लूजन है, अब आपको बताना है क्या सही है। तो यहाँ पे हमें ये वेन वो बनाना पड़ेगा इसको, तभी सॉल्व होगा। तो पहली जो है, इन्होंने बोला है कि सम क्यूब्स आर स्क्वायर्स, देखो सम क्यूब्स, जो सम क्यूब्स है वो स्क्वायर है, ठीक है। तो अब ये बीच में जो खाली जगह दिख रही है, ये हमारा जो हम सम क्यूब्स आर स्क्वायर्स, तो ये हमारा स्क्वायर को दर्शा रहा है, ये हमारा क्यूब को दर्शा रहा है, ठीक है। तो बीच में जो है ये हमारे कुछ क्यूब्स हैं, ठीक है, सम क्यूब्स हैं जो कि स्क्वायर्स हैं। अब उसके बाद स्टेटमेंट टू है, ऑल स्क्वायर्स आर सर्कल। अब देखो ऑल स्क्वायर्स, सम क्यूब्स आर स्क्वायर्स, और उसके बाद है ऑल स्क्वायर्स आर सर्कल। एक सेकेंड, सम क्यूब्स आर स्क्वायर्स, ठीक है, तो हाँ एक सेकेंड, सम क्यूब्स आर स्क्वायर्स, ठीक है, ये क्यूब्स हैं और ये स्क्वायर्स हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑल स्क्वायर्स आर सर्कल, तो ये सारे स्क्वायर्स हैं, ये सब क्या है, ये सब है हमारे
सर्कल है, ठीक है, और ये क्यूब हमारे अलग है। अब इन्होंने स्टेटमेंट पूछी है ऑल क्यूब्स आर सर्कल। अब यहाँ पे देखो ऑल क्यूब सर्कल कैसे हो जाएंगे, क्योंकि ये तो आधे हैं, है ना, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। उसके बोले सम सर्कल्स आर क्यूब, तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि सम सर्कल्स आर क्यूब, तो सर्कल हमारे कौन से थे। देखो अगर ऑल स्क्वायर्स हमारे, इन्होंने बोले हैं कि ऑल स्क्वायर्स हमारे क्या है, सर्कल है, ठीक है, तो सम सर्कल्स आर क्यूब, क्यूब भी हो जाएंगे क्योंकि हमारे जो सम स्क्वायर्स हैं वो क्यूब हैं, ठीक है, तो टू ऑप्शन हमारा जो स्टेटमेंट है सही है। उसके बाद है सम सर्कल्स आर स्क्वायर्स, तो सम सर्कल्स हैं वो स्क्वायर भी हैं, क्योंकि अगर सारे जो स्क्वायर्स हैं वो सर्कल है तो सम सर्कल स्क्वायर हो सकते हैं, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन भी सही है ऑल स्क्वायर्स आर क्यूब, तो ऑल स्क्वायर हमारे क्यूब नहीं है क्योंकि थोड़े से ही क्यूब है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ओनली कंक्लूजन टू एंड थ्री फॉलोज। क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है, देखो सिंपल सा है, प्रिंसिपल से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता, इसका सीधा सा आंसर है पी, प्रिंसिपल में पी है, एल है, ए है प्रिंसिपल में ए भी है, आई है प्रिंसिपल में है, एन है प्रिंसिपल में, प्लेन बनाया जा सकता है। उसके बाद हमारा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे प्राइस बना के देखो, पी है यहाँ पे, आर है, आई है, सी है, ई दिख रहा है कहीं यहाँ पे आपको, प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल में कहीं भी आपको ई नहीं दिख रहा है, तो प्राइस इन शब्दों को इस्तेमाल करके आपका नहीं बनाया जा सकता। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्राइस, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर है, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ तो ये डिवाइड का सम साइन नहीं दिख रहा है, बट जहाँ से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है वहाँ मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि इसका जो आंसर है वो 15 आ रहा है, ठीक है, एक सेकेंड। यहाँ पर है प्लस का मतलब है गुणा, और उसके बाद माइनस का मतलब है डिवाइड, ठीक है, डिवाइड है, उसके बाद हमारा गुणा मल्टीप्लिकेशन का मतलब है प्लस, और डिवाइड का मतलब है यहाँ पे माइनस, ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 10 इंटू 18, यानी 10 इंटू का मतलब क्या है, प्लस, तो क्या हो जाएगा हमारा 18, उसके बाद माइनस 9, यानी यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है डिवाइड, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9, और उसके बाद इन्होंने बोला है प्लस 3, और प्लस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई 3, और डिवाइड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस हमारा हो जाएगा 1। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट है, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, सही आंसर इसका 15 आएगा। तो अब सबसे पहले एक बॉडमॉस वाला नियम यहाँ पे जो है लागू होता है, तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 10 प्लस 18 यहाँ से डिवाइड कर दोगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई और 3 माइनस 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई वाला सेक्शन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 प्लस में 3 2 कितना होता है 6 माइनस 1। अब उसके बाद आप लोग माइनस वाला सेक्शन पहले कर लो, तो 10 प्लस में 6 माइनस 1 5, तो 10 प्लस 5 अब जब आप करोगे तो आपका 15 सही आंसर हो जाएगा। और होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है। यहाँ पर बोला गया है अगर एक आदमी 60 किलोमीटर 4 दिन में चलता है, तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो एक दिन का आपका आ जाएगा, एक दिन में वो 15 किलोमीटर चल रहा है, तो 105 किलोमीटर वो कितने दिन में चलेगा, तो 15 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 105 आपका सही आंसर आ जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि वो 7 दिन में 105 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, एक कोड है यहाँ पे, हेड का कोड ये है, राइट का कोड ये है, और बैक का कोड ये है, ठीक है। यहाँ पे आपको ग्रेड का कोड निकालना है। अब ग्रेड का सिंपली कोड निकालो, आप यहाँ पे ये देखो ग्रेड का जी, यहाँ पे जी का कोड क्या है, तो जी का कोड हमारा है 7, ठीक है, तो 7 से स्टार्ट हो रहे हैं सारे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा आर, तो आर का कोड हमारा यहाँ पे है, आर का कोड है 3, ठीक है, तो 7 के बाद 3 आना चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे वैसे ही कट गए, अब ये दोनों में से आंसर होगा आपका। उसके बाद ए, ए का कोड क्या है हमारा यहाँ पे, ए का कोड है हमारा यहाँ पे 4, तो 4 देखो किस में है, थर्ड नंबर पे, तो ये हमारा सही हो जाएगा, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, अपना टाइम बचाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच नंबर हैज़ द सेम प्रॉपर्टी एज द गिवन नंबर। ये सारे नंबर है 7 से डिवाइड हो रहे हैं, और 161 भी 7 से डिवाइड हो रहा है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 52 सही आंसर हो जाएगा, चाहो तो आप इसे करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 53 है, 19 में से 11 गए 8 बचे, 15 में से 9 गए 6 बचे, और उसके बाद 25 में से 16 गए 9 बचे, ठीक है।
तो आपका ये सॉरी 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 आई थिंक मैंने गड़बड़ बोल दिया है, एक सेकंड रुकना। 19 में से 8 गए 11 बच्चे, 15 में से 6 गए 9 बच्चे, और 25 में से 9 गए तो 16 बच्चे, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, ये जो पूरा टोटल डिजिट है ये आपकी डिवाइड हो जाएगी 8 से, तो यहाँ पर x की वैल्यू बतानी है। तो आप लोग सिंपली यहाँ पर क्या करोगे, जो 5 के बाद x है यहाँ पे पुट करके देख लो वैल्यू, कि 5 के बाद अगर 2 पुट करोगे वो 8 से डिवाइड हो जाएगा, नो। 5 के बाद 8 करोगे, नो। 5 के बाद 4, तो 56 आता है 8 के टेबल में, तो यानी 6 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, कौन सा अलग है, कौन सा अलग है भाई, लीवर, किडनी, लंग, हेड, तो ये इंटरनल बॉडी पार्ट हमारा, तो हेड सबसे हमारा अलग हो जाएगा। तो ये हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन थे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपको समझाने में सक्षम रही हूँ। और रीजनिंग के आप लोग कह रहे थे कि मैम प्लीज़ रीजनिंग के क्वेश्चन कराइए, और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि रीजनिंग के क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। सो थैंक यू सो मच। आज हम हिंदी के क्वेश्चन करने वाले हैं, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आपके क्वेश्चंस आते हैं और आपके सिलेबस में भी हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 81 है, निर्मल शब्द का विलोम आपको बताना है। तो निर्मल का जो विलोम होता है उल्टा है, वो मलिन होता है, आपको पता भी होगा। सुंदर, साफ, पवित्र, ये अलग है, ठीक है, ये इसका विलोम नहीं है, मलिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा जलसा, जलसा क्या होता है, जलन, जल, जलाधार, नहीं, समारोह इसका सही उत्तर है, जलसा निकला हुआ है, ऐसे बोलते हैं ना, कोई समारोह हो रहा है, ठीक है, कोई झांकी टाइप निकल रही है बड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 83 है, मधुशाला के लेखक कौन है, और मुझे तो याद है इसका आंसर, आप लोगों को भी पता होगा, हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, और बहुत अच्छी है ये जो उन्होंने लिखी है मधुशाला, बहुत बढ़िया लिखी है, मतलब सारे भेदभावों को मिटाती हुई ये पोएम, बहुत बढ़िया है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 84 है, कमर सीधी करना, आज तो बहुत दर्द है कमर में, आज बहुत थक गए हैं, चलो थोड़ी कमर सीधी कर लेते हैं, मतलब थोड़ा आराम कर लेते हैं, तो क इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 85 है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, कौन सा अलंकार है, जहाँ पे एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पे हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे च च च, ठीक है, च च च च बार बार रिपीट हो रहा है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है, ठीक है, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 86, गरज उठे 40 कोटि जन सुनिए भजन उछा भरे में कौन सा रस है, तो इसमें वीर रस है, और मुझे इसका उत्तर गूगल करने पे नहीं मिला, तो एक एमपी की 8th क्लास की बुक डाउनलोड हुई मुझसे, जिसमें इसके जो पोयम है ये लिखी है, और ये पोयम स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है, जिसमें मोटिवेट किया गया है बच्चों को कि उठ खड़े हो, तो इस तरीके से मैंने इसका आंसर निकाला कि वीर रस इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, उज्ज्वल का संधि विच्छेद कीजिए, और मुझे लगता है ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है और बार बार आता है, तो उज्ज्वल का हमारा सही जो बैटरी गई इसकी, उत जमा ज्वल, ठीक है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन यहाँ पे हलंत का देखो, हलंत का फ़र्क है, नीचे हलंत नहीं लगा है, तो जो हलंत वाला है ये वाला सही है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा उत जमा ज्वल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी संधि है इसमें, तो इसमें हमारी है व्यंजन संधि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 88 है, कमल नयन में कौन सा समास है, जब आप किसी की विशेषता बताते हो किसी से कंपैरिजन करके, तो वहाँ पे हमारा कर्मधारय समास होता है, विशेषता से याद रख सकते हो, कमल नयन, कमल से नयन, ठीक है, कि कमल जैसे नयन तुम्हारे, तो कर्मधारय समास, आप किसी की तारीफ कर रहे हो किसी और को कुछ बताते हुए कि नहीं तुम्हारा तो चांद सा मुखड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 है, वीरांगना का पुलिंग है वीर वीरांगना, ठीक है, इसका पुलिंग शब्द हो जाएगा। 90 है, सम्राट अशोक के शिलालेख सबको पता ही है प्राकृतिक भाषा में मिले थे, श श स ह, ये उष्मीय व्यंजन है। अब आप कहोगे मैम यहाँ पे उष्मीय तो इस ऑप्शन में है ही नहीं, तो उष्मीय व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी बोला जाता है, ठीक है, तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, प्रत्यय जो पीछे लगते हैं शब्द के, प से प्रत्यय, प से पीछे, ऐसे याद कर सकते हो, तो यहाँ पे जो सावधान है, ठीक है, यहाँ पे जो सावधान लिखा हुआ है ये हमारा क्या है, मूल शब्द है, ठीक है, और जमा ई, तो ई हमारा यहाँ पे प्रत्यय हो गया, सही आंसर क हो जाएगा, सावधानी।
संस्कृत के ऐसे शब्द जो हम एज इट इज़ यूज़ करते हैं हिंदी में, उनको हम तत्सम कहते हैं। और इसको जो मैंने अपने ट्रिक से याद किया हुआ है वो है तत्सम, सम, सम मतलब समान, एक जैसा। तो यानी कि संस्कृत के वही वर्ड हम हिंदी में भी ऐसे यूज़ करते हैं, तो उनको हम तत्सम बोलते हैं, और जिनको चेंज करके यूज़ करते हैं उनको हम तद्भव बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? तो सबको पता होगा, कर्ता नहीं है, कर्म को कारण से, ये सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा अधिकरण। क्वेश्चन नंबर हमारा 95 है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? तो अवधी भाषा में लिखा गया। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? तो ये है 343 इसका सही आंसर है, आर्टिकल 343। क्वेश्चन नंबर 98 है, कमल का समानार्थी शब्द क्या है? ये क्वेश्चन मुझे ऑप्शन सारे कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, मुझे ठीक से आंसर नहीं पता चल पाया इसका। तो अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट करना। रजनी मतलब रात होता है, विभावरी मतलब भी रात होता है, भामिनी मतलब बेटी, लड़की, इसका पर्यायवाची होता है। लेकिन जो पारिजात है ये जैस्मिन के फूलों का वृक्ष होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से अगर हम ऑप्शन की तरफ जाएँ सभी के अकॉर्डिंग, तो पारिजात आएगा। पारिजात जो फूल है, फूल होता है किसी तरीके का, वृक्ष होता है किसी फूल का। ठीक है, जैस्मिन आप लगा सकते हो, गूगल करने पे मुझे यही मिला। तो अभी समानार्थी के प्रपेक्ष में देखो तो आप फिर यही उत्तर इसका सही जाता है। बाकी आपकी क्या राय है आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। चारू शब्द की शुद्ध भावनात्मक संज्ञा क्या है ये आपको मुझे बताना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 99 का आंसर है चारूपन, चारुताई, चारू या चारुतस। ठीक है, तो इसमें मुझे बहुत कन्फ्यूजन है, मुझे कन्फ्यूजन थी और मैंने गूगल किया तो नहीं मिल रहा है इसका आंसर। किसी को पता है तो ज़रूर बताना, बट जहाँ तक मुझे लगता है, जैसे मैं भावाचक संज्ञा और भी शब्दों की हम बनाते हैं, तो आई थिंक चारूपन हो सकता है। बाकी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे भी इसका सही उत्तर पता चलना चाहिए, क्योंकि मुझे भी सब कुछ नहीं आता, सबको सब कुछ नहीं आता, हम एक दूसरे से ही सीखते हैं। और मैं भले ही वीडियोस बना रही हूँ बट कुछ चीज़ें ऐसे भी है जो मुझे भी सीखनी है। तो प्लीज़ जहाँ मैं कुछ क्वेश्चन आपसे भी पूछूँ तो प्लीज़ आप आंसर किया करें और अपने विचार ज़रूर रखें इस चीज़ पर। अब हमारा लास्ट का आज का क्वेश्चन है, उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? तो आप अपने भाव विचार जो कैसे अभिव्यक्ति करते हो, कैसे आप उसको एक्सप्रेस करते हो, तो आप भाषा के माध्यम से करते हो। तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस थे हिंदी के, और होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ ज्योति हेयर। और आज की वीडियो में हम लोग टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड हम लोग 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, और ये बीएड में अक्सर पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। और यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं ये इंग्लिश में हैं, मैं इनको हिंदी में समझाऊंगी। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, और हिंदी में मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ, क्योंकि काफ़ी कमेंट आते हैं कि मैम ये हिंदी में करवाइए, हिंदी में करवाइए, और हिंदी वाले बोलते हैं इंग्लिश में करवाइए। तो मैं इसको समझा दूँगी, ठीक है, और वैसे समझ आ जाएगा, इतना कोई मतलब ज़्यादा इतनी टफ़ जो है इंग्लिश नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, द फुल फॉर्म ऑफ सुपा। ठीक है, आप पढ़ते भी आए होंगे अपने स्कूल में, अपने पढ़ा होगा, तो इसकी फुल फॉर्म होती है सोशली यूज़फुल एंड प्रोडक्टिव वर्क। और ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, और जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फुल फॉर्म्स आपसे पूछी जाती है, 2 से 3 फुल फॉर्म्स आती है आपके एंट्रेंस में। तो प्लीज़ फुल फॉर्म्स को आप अच्छे से रिवाइज़ करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एन एक्टिविटी बाय विच द एंटायर स्कूल पॉपुलेशन कैन बी ब्रॉट टुगेदर टू शेयर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड ब्रिंग इन अ सेंस ऑफ कम्युनिटी इज़। तो ऐसी मतलब कौन सी एक्टिविटी है जहां आप अपने स्कूल के सभी बच्चों को लाकर एक साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकते हो जहां वो एक दूसरे से अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं? तो स्कूल जो स्टाफ मीटिंग तो हो नहीं सकती, स्कूल प्लानिंग भी नहीं हो सकती, एग्जामिनेशन भी नहीं हो सकता, तो स्कूल असेंबली इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि स्कूल असेंबली में ही बच्चा जो है एक जगह गैदरिंग होती है इनकी, एक जगह इकट्ठे होते हैं सभी, पूरा स्कूल इकट्ठा होता है, वहीं पर वो आपस में अपनी जो बातें हैं, ठीक है, शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द स्कूल टाइम टेबल आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ शुड बी कैप्ड इन मिडल पीरियड। क्वेश्चन नंबर 4 है, थर्ड में है, जो आर्ट एंड क्राफ्ट की जो एक्टिविटी होती है तो वो स्कूल में, स्कूल के टाइम टेबल में कब रखी जानी चाहिए? तो वो मिडल पीरियड में रखी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है,
इफ अ टीचर फाइंड्स दैट देयर इज अ प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड इन अ क्लास द टीचर शुड, अगर आपको आपको ऐसा बच्चा मिलता है अपनी क्लास में जो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो एज अ टीचर आप लोग क्या करेंगे? इग्नोर द चाइल्ड, बिल्कुल भी नहीं करना. बच्चे को इग्नोर कर दोगे कि मतलब प्रॉब्लम कर रहा है तो करता रहे, ऐसा नहीं करोगे. चेंज द क्लास ऑफ द चाइल्ड, अब ऐसा तो है नहीं बच्चे की क्लास उठा के दूसरी क्लास में पटक दोगे, ये भी नहीं करोगे. पनिश द चाइल्ड, पनिश तो आप दे ही नहीं सकते, ठीक है, तो पनिश तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते. तो गेट द काउंसलिंग ऑफ द चाइल्ड डन, तो आप बच्चे की काउंसलिंग करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है. आगे है हमारा रूब्रिक्स, रूब्रिक्स इज, तो रूब्रिक्स क्या है, तो अब ये है हमारा स्कोरिंग गाइड टू इवेल्युएट क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट. तो रूब्रिक्स हमारे कुछ उपकरण होते हैं जो बच्चे को इवेल्युएट करने में, उनका आकलन करने में एक सही हमें मार्गदर्शन देते हैं, ठीक है. अंक तालिका एक तरीके से आप इसे बोल सकते हैं, और ये छात्रों के आकलन मूल्यांकन के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो रूब्रिक्स ये होते हैं. अब हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है, पेडागॉजी इज़ कंसर्नड विद, जो पेडागॉजी है वो किससे कंसर्नड है, वो है हमारा टीचिंग मेथड से रिलेटेड है. काउंसलिंग नहीं है, एवेल्युएशन स्ट्रेटजी नहीं है, सिलेबस नहीं है, हमारा टीचिंग मेथड से रिलेटेड होती है हमारी पेडागॉजी. क्वेश्चन नंबर 7 है द रोल ऑफ टीचर हैज़ टू बी, टीचर का रोल कैसा होना चाहिए, अथॉरिटेटिव, डिक्टोरियल, लेजिस्फेयर या फिर फैसिलिटेटिव. तो इसमें पहला तो होगा नहीं, अधिकारवादी तो बिल्कुल भी होना चाहिए, टीचर पर अपने अधिकार जमा रहा है, डिक्टेटोरियल, तो इसमें मतलब तानाशाही भी नहीं होनी चाहिए. लेजिस्फेयर मतलब ठीक है, चल रहा है, मतलब आलसी टाइप जिसे हम कह सकते हैं, अपनी मर्जी से स्वेच्छा से कार्य हो रहा है, तो वो भी नहीं होना चाहिए. तो फैसिलिटेटिव मतलब मार्गदर्शक, ठीक है, तो आप बच्चे के एक मार्गदर्शक है, आप उसे निर्देश नहीं देंगे, आप उसे फैसिलिटेट कर सकते हैं और दिशा दिखा सकते हैं उसको सही, ठीक है, लेकिन आप उस पर रॉब नहीं झाड़ सकते हो. तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हम उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं, और NEP 2005 में ये बात कही भी गई है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करें, असूटेबल मेथड ऑफ टीचिंग प्राइमरी चिल्ड्रन इज, आप छोटे बच्चों को जब आप पढ़ाते हो तो कौन सा मेथड सबसे बढ़िया होता है, लेक्चर मेथड, इमिटेशन, ट्रायल एंड एरर या प्लेवे मेथड. तो ट्रायल एंड एरर जो है बेसिकली हमारा मैथ्स में यूज़ होता है, लेक्चर मेथड हमारा बड़ी क्लासेस में यूज़ होता है, छोटी क्लास में इसका कोई काम नहीं है. इमिटेशन, इमिटेट करता है बच्चा, अनुकरण करता है, तो ये तो नहीं आएगा. तो प्लेवे मेथड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. प्राइमरी में बेसिकली जो बच्चा सीखता है वो सीखता है हमारा प्लेवे मेथड से. क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, NEP 2020 में सबको पता ही है कौन सा कॉन्सेप्ट है, जो स्ट्रक्चर एजुकेशन का, वो है 5+3+3+4, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन स्पेसिफाइड इन द NEP 2020 में क्या बोला गया है, जो मल्टी लिंग्विज्म है बोथ एज अ पॉलिसी रिसोर्स एंड स्ट्रेटजी, जो मल्टी लिंग्विज्म बहुभाषी भाषावाद को प्रमोट किया गया है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा. यहाँ पे है एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम इन प्राइमरी क्लास, बिल्कुल गलत है. प्राइमरी में तो वैसे इन्होंने बोला है कि हमारी मातृभाषा में एजुकेशन देनी है. दूसरा है प्रमोशन ऑफ स्टडीज़ ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स, शुरुआती सालों में बच्चों के लिए प्रमोट किया गया है क्लासिकल लैंग्वेज सीखे, गलत है. कंपल्सरी स्टडी ऑफ मैनी लैंग्वेज, कंपल्सरी कुछ भी नहीं किया गया कि बहुत सारी भाषाएं आपको पढ़नी है स्कूल में, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा. 11वां है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वयं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो स्वयं है पहले तो इसके फुल फॉर्म जान लो, और ये फुल फॉर्म पूछी जाती है तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना. स्वयं की फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑब्जेक्टिव लर्निंग फॉर यूथ एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है. और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है, मतलब कि बड़े पैमाने पर ऑनलाइन कोर्सेज को प्रोवाइड करवाना. उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें हम, दीक्षा बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो दीक्षा क्या है, तो दीक्षा की ट्रेनिंग हमारी चलती है स्कूल की, तो यहाँ पे पोर्टल फॉर कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, यहाँ पे टीचर्स की डेवलपमेंट होती है हमारे लिए. जैसे मैं अभी दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ, तो हमारी ट्रेनिंग जो होती है, हमारे कुछ कोर्सेज होते हैं, वो हम लोग दीक्षा ऐप पर करते हैं. और यहाँ पर जो हमारा दीक्षा है उसकी फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ठीक है, तो ये तीसरी फुल फॉर्म आपसे मतलब पूछी तो नहीं गई है, बट आपको पता होना चाहिए, पूछी जा सकती है आपसे. क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ मोटिवेशन, तो मोटिवेशन का फैक्टर प्रेज है, रिवॉर्ड है, इंसेंटिव्स है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है. क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर्स द स्कूल करिकुलम, तो स्कूल का करिकुलम कौन बनाता है, NCERT बनाता है. NCERT की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग. CBSE की फुल फॉर्म यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और UGC की
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। क्वेश्चन नंबर 15 है, यू वॉन्ट टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ मोर स्टूडेंट्स इन क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग वुड यू अडॉप्ट। आप चाहते हैं कि आपकी क्लास के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, तो आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन, रेसिटेशन, डिस्कशन, रोल प्ले। तो रोल प्ले इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, यू वॉन्ट टू डेवलप कोऑपरेशन एंड टीम स्पिरिट इन स्टूडेंट्स, विच एक्टिविटी वुड यू पर्पस। जब भी आप बच्चे के अंदर कोई टीम स्पिरिट या कोऑपरेशन डेवलप करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन प्रोजेक्ट वर्क का होता है, तो आप इसको रट भी सकते हैं। इसका सही आंसर प्रोजेक्ट वर्क ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वेज ऑफ लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स। कौन सा इनमें से सही बताना है आपको कि बच्चे के जो वेज ऑफ लर्निंग है, सीखने के तरीके हैं, उसके बारे में सच है, सही है। स्पीड ऑफ लर्निंग इन द सेम फॉर ऑल स्टूडेंट बिल्कुल गलत है। हर बच्चा एक गति से नहीं सीखता है, कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे सीखता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। ईच स्टूडेंट हैज़ अ यूनिक लर्निंग स्टाइल, बिल्कुल बी वाला हमारा सही है कि हर बच्चे की अपनी लर्निंग स्टाइल होती है, वो अपने अपना तरीके से सीखता है। थर्ड है, चिल्ड्रन फॉलो द वे अदर स्टूडेंट लर्न, नहीं, बिल्कुल बच्चा दूसरों को फॉलो नहीं करता, वो अपने उससे ही सीखता है। ऑल चिल्ड्रन इमीडिएटली फॉलो टीचर्स इंस्ट्रक्शन, क्या सारे बच्चे एकदम ही मैम की बातों को फॉलो कर लेते हैं, तो ये भी गलत है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका यहाँ पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, जो कि आधा छुपा हुआ है। तो ये है, वट इज़ द बेस्ट वे फॉर अ टीचर टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम इन अ क्लास। तो टीचर के लिए बेस्ट वे क्या है क्लास में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आस्क फॉर अदर्स टीचर्स ओपिनियन, मतलब वो किसी और टीचर की विचारधारा जाने, ओपिनियन जाने कि वो क्या सोचती है। दूसरा है, डिपेंड्स ऑन वंस ओन ओपिनियन, और मतलब अपने खुद के ओपिनियन पे निर्भर रहे। तीसरा है, थिंक एंड सजेशंस ऑफर्ड बाय द चिल्ड्रन एंड इम्प्लीमेंट द गुड वंस, और बच्चों से सजेशन ले और उनमें से जो अच्छे सजेशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करे। या यूज़ द व्यू द प्रिंसिपल गिव्स, और या फिर प्रिंसिपल मैम ने जो व्यू दिया है उस पर मतलब अमल करे। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, बच्चा प्रायोरिटी है तो आप लोगों को पता ही है। 19 है, हाउ कैन यू मेक योर स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट। तो अपने बच्चे को एक स्वतंत्र बच्चा, ठीक है, कैसे बना सकते हैं। तो गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एवरीवन, हर बच्चे को जिम्मेदारी देनी है। ऐसा नहीं है चार बच्चे उन्हीं से आप जिम्मेदारी दे रहे हैं या उन्हीं से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। गिविंग ऑर्डर्स, तो ऑर्डर तो बिल्कुल नहीं देंगे। इग्नोरिंग, बिल्कुल आप इग्नोरिंग देयर पेटी फाइट्स, आप उनकी छोटी मोटी लड़ाई झगड़ों को इग्नोर नहीं करेंगे। सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स फॉर देम, आप उनके प्रॉब्लम भी सुलझाएंगे नहीं, ठीक है, तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 है, यू हैव अ मिक्स्ड क्लास ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, विच मैथड वुड यू अडॉप्ट टू इम्प्रूव कोऑपरेशन बिटवीन दैम। आपके पास लड़के लड़कियों की मिक्स क्लास है, लड़के भी है, लड़कियाँ भी है, आप किस तरीके से उनके बीच में कोऑपरेशन बिल्डअप करेंगे। आस्किंग पेरेंट्स टू डिस्कस इक्वालिटी, मतलब आप पेरेंट्स को बोलेंगे कि आप पेरेंट्स से पूछेंगे कि आपने इक्वालिटी पे आप डिस्कशन कीजिए बच्चों से, तो ये तो गलत हो जाएगा। मेकिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स शेयर अ बेंच, आप लड़के और लड़के को बोलोगे कि एक ही बेंच पे बैठो, जो कि ये भी गलत है। थर्ड है, सेटिंग टास्क विच हैव टू डू बी डन टुगेदर, तो आप ऐसे कुछ कार्य निर्धारित करेंगे जो दोनों लड़का लड़की साथ मिलकर करें, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी इन लेसन, तो देखो भाई कुछ भी ना टॉकिंग करने से या बोलने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक वो चीज़ें बिहेवियर में नहीं आएंगी ना, तो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती हैं, तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी सही है हमारा। सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 22 है, टीचर्स हु एम्प्लॉय पार्टनरशिप बेस्ड टीचिंग स्ट्रेटजीज आर मोर लाइकली टू रिपोर्ट दैट। तो यहाँ पर है, जो टीचर मतलब ऐसी धारणा रखती हैं कि जो पार्टनरशिप वाली जो टीचिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करती है वो मतलब रिपोर्ट करना पसंद करती हैं। ओनली सम पेरेंट्स कैन हेल्प देयर चिल्ड्रन, गलत, ओनली जहाँ आ जाए वहाँ पे गलत वैसे ही लगा देना, ठीक है, ये नेगेटिविटी का साइन है। तो मतलब ऐसी, जैसे मैं टीचर हूँ, मैं चाहती हूँ कि एक पार्टनरशिप वाली अगर हम टीचिंग स्ट्रेटजी अपनाते हैं पेरेंट्स के साथ मिलकर, तो उसमें मैं उस चीज़ को फॉलो करती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि मतलब बस कुछ ही पेरेंट्स ऐसे बच्चों को हेल्प कर सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ऑल पेरेंट्स कैन हेल्प देयर चिल्ड्रन, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सी वाला और देख लो एक बार, सिंगल पेरेंट्स, पुअर पेरेंट्स एंड दोज विद लेस एजुकेशन कैन नॉट हेल्प देयर चिल्ड्रन, क्या जो कम पढ़े लिखे हैं या जो गरीब है, जो सिंगल पेरेंट्स, क्या वो बच्चों की मदद नहीं कर सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा। ओनली इंग्लिश स्पीकिंग पेरेंट्स कैन हेल्प देयर चिल्ड्रन, क्या जिनको इंग्लिश आती है वही हेल्प कर सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत है। उस हिसाब से तो मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, मैं तो यहाँ पहुँचती ही नहीं है ना, तो ये हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि हाँ, हर बच्चा, हर पेरेंट्स बच्चों की मदद कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, ये 20,
23 पे अब हम लोग पहुंच चुके हैं। 23 है द बेस्ट वे फॉर स्कूल्स टू इनकरेज फैमिलीज टू बी इन्वॉल्व इन द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन इज बाय द बेस्ट वे फॉर स्कूल्स टू इनकरेज डाइवर्स फैमिलीज, ठीक है, मतलब विविधता भरी फैमिलीज है, टू बी इन्वॉल्व इन द एजुकेशन देयर चिल्ड्रन इज, तो आप फैमिलीज को, अलग अलग फैमिलीज को किस तरीके से बच्चों की एजुकेशन में इंक्लूड कर सकते हो। नॉट फॉर्मिंग ट्रस्टिंग रिलेशनशिप विद फैमिलीज, कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं करोगे, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। आप इस तरीके से थोड़ी फैमिली को इन्वॉल्व करोगे। गिविंग नो वेटेज टू एड्रेसिंग फैमिलीज नीड्स, आप परिवार की ज़रूरतें नहीं समझोगे, उनको वेटेज नहीं दोगे। नो रिकॉग्नाइजिंग द नीड्स ऑफ फैमिली, आप फैमिलीज की नीड्स को नहीं समझोगे, तो ये नेगेटिविटी के साइन है। शेयरिंग पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद फैमिली, आप पेरेंट्स के साथ, फैमिलीज के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेंगे, पावर शेयर करेंगे, ठीक है। इसका एक एग्जांपल जो अभी दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में SMC का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है, स्कूल जो ये हमारी जो स्कूल एकदम फुल फॉर्म भी भूल गई हूँ, SMC की स्कूल मीटिंग कमेटी, ठीक है, शायद यही होती है। ओके 24 का है यहाँ पे द मोस्ट एक्यूरेट प्रेडिक्टर ऑफ अ स्टूडेंट्स अचीवमेंट इन स्कूल, आप मतलब सबसे अच्छा बेहतर अंदाज़ा किस बात से लगा सकते हैं बच्चे की अचीवमेंट के बारे में। फैमिली इनकम बिल्कुल भी नहीं, टू पेरेंट्स फैमिली बिल्कुल भी नहीं, एजुकेशनल लेवल ऑफ पेरेंट्स की, पेरेंट्स कितना पढ़ा लिखा है इससे पता चलेगा कि बच्चा कितना पढ़ा लिखा है, ये भी गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन आपका सही है द फैमिलीज हाई एक्सपेक्टेशंस इनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग एट होम एंड इन्वॉल्वमेंट इन द चाइल्ड्स लर्निंग एट स्कूल एंड बी कम्युनिटी, ठीक है, कि बच्चा किस तरीके से सोचता है, उसकी जो मतलब उसकी फैमिली में उसको किस तरीके से कोऑपरेट किया जा रहा है, और बच्चे के जो इन्वॉल्वमेंट है स्कूल की एक्टिविटीज़ में, कम्युनिटी में, वो कितनी है। लास्ट क्वेश्चन आज का है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट एज रेंज डज द NEP 2020 रिवाइज्ड सर्कुलर स्ट्रक्चर कवर द एजुकेशनल पर्पस, ठीक है, तो यहाँ पर है कि NEP 2020 में रिवाइज सर्कुलर स्ट्रक्चर कवर द एजुकेशन, मतलब कौन सा इसमें जो ग्रुप है एज का, जो NEP 2020 में जो ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने बनाए हैं बच्चों के लिए उसको फुलफिल करता है, कवर अप करता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 से 18 वर्ष, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और नीचे कॉमेंट सेक्शन में मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रही हूँ, उस क्वेश्चन का आप लोग आंसर सब देते जाइएगा, प्लीज़ उसका आंसर ज़रूर देना जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग, और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम 20 SST के क्वेश्चन करने वाले हैं, और SST जैसे कि हमें पता है कि हमारा GK का एक सेक्शन है, तो उसमें आपके कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं, और यहाँ आप लोग बोलोगे मैम इंग्लिश में है, तो इतना ज़्यादा टफ नहीं है। आप इस वीडियो को देखोगे 20 क्वेश्चन बहुत ईजी है, ईजिली अंडरस्टैंड है, अंडरस्टैंड हो जाएंगी इंग्लिश, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट आते हैं मैम हिंदी में कराओ हिंदी में कराओ, तो जो चीज़ मुझे जिस तरीके से अवेलेबल है मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको उसका जो भरपूर लाभ होता है वो मिले आपके एग्ज़ाम के लिए, तो इसलिए मैं इसको, क्योंकि इसमें इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है कि आपका कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम है। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 81 अगर हम देखें तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि टिस्को वॉज इस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, जो टिस्को है वो कब बनाया गया था, उसको कब इस्टैब्लिश किया गया था, तो इसका आंसर है हमारा 1907, यानी बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर टिस्को की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, तो आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, तो इसकी फुल फॉर्म आप लोग लिख सकते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। और प्रॉपर अगर मैं डेट की बात करूं तो 26 अगस्त 1907 को इसकी जो है स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 82 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री यूज लाइमस्टोन एज अ रॉ मटेरियल, कौन सा उद्योग है जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हु वाज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी, तो बहुजन समाज पार्टी के जो फाउंडर थे वो थे कांशीराम, जिन्होंने 14 अप्रैल 1984 को डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी की जयंती पर इस पार्टी की स्थापना की थी, और मायावती जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, और मायावती जी पहले फॉर्मर टीचर रही हैं स्कूल में। क्वेश्चन नंबर 84 है, अ डिवाइस स्पाइनिंग जेनी वॉज इन्वेंटेड बाय,
तो एक डिवाइस है, एक मशीन है, स्पाइनिंग जेनी। तो ये किसने इन्वेंट की है, किसके द्वारा आविष्कार किया गया था इसका? तो जेम्स हरगिव्स इसका सही आंसर है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। और ये 1764 में बनाई गई थी, इन्वेंट की गई थी। और इस मशीन के द्वारा जो कटाई प्रक्रिया है, काटने की प्रक्रिया है, कटाई प्रक्रिया है, कटाई नॉट कटाई, ठीक है, जैसे सूत काटते हैं हम लोग, तो उसकी जो प्रक्रिया है उसको तेज कर दिया था। और इससे क्या हुआ था कि जो श्रम की मांग है उसमें कमी आई थी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 85 है, जीडीपी इज टोटल वैल्यू ऑफ, जीडीपी किसका टोटल वैल्यू है इनका, जो मतलब मूल्य टोटल किस चीज का मूल्य है ये? तो ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है, ठीक है। और अभी आप लोग मुझे कमेंट करेंगे जीडीपी की फुल फॉर्म, प्लीज यार कमेंट किया करो, मतलब थोड़ा सा तो मतलब एफर्ट आई हो कि आप लोगों को, मतलब पता नहीं, मतलब मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि प्लीज यार कमेंट किया करो, थोड़ा अच्छा लगता है मुझे भी। हाँ मतलब आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो और इस तरीके से, ठीक है आपकी मर्जी है, मतलब जैसे आपको ठीक लगे। मैं बस रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं क्वेश्चंस भी बीच में छोड़ती हूँ, बीच बीच में कुछ कुछ क्वेश्चंस के आप लोग कमेंट करके उनका जवाब दीजिए, मुझे कोई जवाब ही नहीं देता है। चलो कोई नहीं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 86 फॉरेस्ट एक्ट वॉज इनेक्टेड इन द ईयर, जो फॉरेस्ट एक्ट है वो कब आया था? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 86 का हमारा आंसर हो जाएगा 1865। क्वेश्चन नंबर 87 की अगर हम बात करें यहाँ पे, द यूथ लीग ऑफ नाजीज वॉज फाउंडेड इन द ईयर, जो नाजी नाजी बात थे, ठीक है, तो नाजी जो पार्टी थी तो उन्होंने अपनी एक यूथ लीग बनाई थी, तो यूथ लीग को उन्होंने किस साल में, किस ईयर में फाउंड किया था? तो 1922 में। अगर हम डेट की बात करें तो 8 मार्च 1922, और 8 मार्च को हमारा वुमेन्स डे भी मनाया जाता है, जो कि आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 88 है, विच पार्टी गेव द स्लोगन सेव डेमोक्रेसी, कौन सी पार्टी ने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था? तो ये दिया था भारतीय जनता पार्टी ने 1977 में, जब हमारा ये इमरजेंसी वगैरह का हुआ था, तो इंदिरा गांधी जी के विपक्ष में इसको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 89 है, हु फाउंडेड रामकृष्णा मिशन, रामकृष्णा मिशन हमारा जो मिशन जो चलाया गया था, फाउंड किया गया था, फाउंडेड किया गया था, ये किया गया था स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 है, द डिस्पोजिनल फीचर्स ऑफ ग्लेशियर इज, हिमनद की निक्षेपण की विशेषता क्या है? तो वो है हमारी मरीन, जिसे हम हिंदी में हिमोड़ बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 है, कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द रिवर ऑफ, फेमस रिवर इज हुगली, कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। 92 है, द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया इस्टैब्लिश इन द ईयर, तो इन्होंने फर्स्ट पूछी हुई है, और जो फर्स्ट इस जो मिल हमारी, जो कपास की जो पहली मिल स्थापित हुई थी, वो हुई थी हमारी 1818 में कलकत्ता में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1818 का कोई दूर दूर तक ऑप्शन नहीं है, या मिस प्रिंट हुआ होगा ये क्वेश्चन, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शन की तरफ जाए तो हम लोग सेकेंड वाला टिक कर सकते हैं। सेकेंड वाला क्यों? क्योंकि सेकेंड मिल जो स्थापित की गई थी भारत में, कॉटन मिल, वो 1854 में मुंबई में स्थापित की गई थी, और वो स्थापित की गई थी केजीएन डाबर द्वारा, और इस जो कंपनी का नाम था, इस कंपनी का नाम था बॉम्बे स्प्रिंग एवं वीविंग कंपनी, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग 1854 पे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल के जो इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं, जो भी निर्णय होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, वो कौन सी सूची के अंदर होते हैं? तो वो हमारे होते हैं संघ सूची के अंदर, ठीक है। तो सबको पता ही है कौन कौन सी सूचियां होती है ना, तो उसमें जो संघ सूची होती है, संघ सूची के अंदर हमारा जो नेशनल इश्यूज वगैरह हो गए, ठीक है, तो सारा हमारा संघ सूची के अंदर आता है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और हमारी जो शिक्षा है वो भी हमारी संघ सूची के अंदर आती है। कब चेंज की गई थी ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि और पहले वो किस सूची में थी ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 94 है, सिविल राइट मूवमेंट इन यूएसए स्टार्टेड इन द ईयर, कब सिविल राइट्स थे जो यूएसए में स्टार्ट किया गया था ये 1954 में। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज नॉट यूज्ड टू कैलकुलेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इनमें से
मतलब कौन सा है जो हम जो ये मानव विकास सूचकांक जो हम मापते हैं, कौन सा सूचक है जो उसमें यूज नहीं होता है? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की मतलब जो इंसान है वो कितना जिएगा, ठीक है, तो वो माना जाता है। और पर कैपिटा इनकम है, एजुकेशन है, सोशल इनइक्वालिटी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो जो हमारी सामाजिक असमानता होती है वो एक कोई क्राइटेरिया नहीं है नापने का मानव विकास सूचकांक का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 का हमारा हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 96 का है द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट इज, जो हमारे पूर्वी घाट है इनमें सबसे ऊंची जो ऊंचाई की जो सबसे ऊंची जो हमारी यहाँ पर वो है, क्या बोलते हैं, चोटी है, तो वो कौन सी है? वो है हमारी महेंद्रगिरी। और ये कहाँ पर है? ये है ओडिशा के गजपति जिले में और इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। 1501 मीटर ये ऊंची है। और जो अन्नामुड़ी है वो हमारी है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी की महेंद्रगिरी और पश्चिमी की अन्नामुड़ी, ठीक है। 97 है वर्साई की संधि कब डन हुई थी, मतलब कब साइन हुई थी? तो ये हुई थी हमारी 28 जून 1919 को, और जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके द्वारा जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो औपचारिक रूप से समाप्त हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 है व्हेन वाज सरोजनी नायडू बॉर्न 1979, अगर हम डेट की बात करें तो 13 फरवरी 1989। ओके, क्वेश्चन नंबर 99 है अ बुक स्त्री पुरुष तुलना पब्लिश्ड बाय, किसने जो ये जो स्त्री पुरुष तुलना है बुक किसने लिखी थी? तो ये तारा बाई शिंदे ने। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ एटमोसफेयर, जो हमारा ये है अपना, क्या है अपना, वायुमंडल। तो वायुमंडल में सबसे इम्पोर्टेंट जो लेयर है, सबसे इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण परत है वो कौन सी है? तो वो हमारी है ट्रेपोसेयर। तो इसको हिंदी में हम लोग शोभ मंडल बोलते हैं। और ये जो हमारे वायुमंडल की जो परतें हैं उनमें जो सबसे नीची परत है वो शोभ मंडल है, और इसकी जो हाइट है वो 13 किलोमीटर है, और इसकी जो मोटाई है, अगर हम इस जो परत की मोटाई की बात करें तो इसकी जो मोटाई है वो 8 से 18 किलोमीटर तक है, और इसकी जो मोटाई है जो हमारी भूमध्य रेखा है वहां पर मोटी होती है, जब लेकिन जब ये ध्रुवों पर जाती है तो ये कम होती है, ठीक है। अगर पूछा जाए अगर ऐसा क्वेश्चन का मोटी कहाँ से और मतलब कम कहाँ से है, न्यूनतम कहाँ से है, तो मोटी ज्यादा रहती है ये भूमध्य रेखा के आसपास, और जब पतली जो हो जाती है तो ये अपनी रहती है अपना ध्रुवों के पास, ठीक है। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन थे, कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।